वालेकुम एंड वेलकम टू एर फार्मेसी लेक्चर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के बारे में सो so, सेफालोस्पोरिन ऐसी एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल क्लास है जो कि हमें सेफालो इस्सपोरियम स्पेशज से मिली हुई हैं और इसको हमने फाइव डिफरेंट ग्रुप्स या कैटेगरीज़ में या जनरेशंस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब इनका जो है कवरेज कितना है कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ये कवर करते हैं उसकी बेसिस पे इसको जो है डिफरेंट जनरेशन में डिवाइड किया गया है जो इनकी कवरेज होती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो सेफालो इस्पोरियंस की जो है ना वो ग्राम नेगेटिव कवरेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन के मगर फिर भी जो है ना कोई भी हमारे पास ऐसा सेफालोस्पोरिन नहीं है जो मरसा के अगेंस्ट या एंटैर कोकाए जो हमारे पास हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव हो एक्सेप्ट फिफ्थ जनरेशन सिर्फ जो है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन जो सेफालोस्पोरिन है वो मरसा को कवर कर सकते हैं या एंटेरो कोकाए को कवर कर सकते हैं उसके अलावा जितने भी सेफालोस्पोरिन है वो मरसा को कवर नहीं कर सकते मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें सेफालोस्पोरिन का तो सिमिलर लाइक जैसे पेनिसिलिन का था ये भी जो है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड होते हैं तो क्या होता है नॉर्मली बैक्टीरिया जो है ना वो सिंथेसाइज करती है अपने सेल वाल और उसको स्ट्रेंथन करती है पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन उसके अलावा नेग और नेम जो हमारे पास दो ये ट्रांसपेप्टज होते हैं पेप्टाइड जो है आपस में मिलते हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो उसके बाद क्रॉस लिंकिंग की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल को स्ट्रेंथ मिलती है तो बीटा लेक्टेम रिंग जो है ना सेफालोस्पोरन की वो इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर आके बाइंड हो जाती है जब इस पे बाइंड हो जाती है तो वो इनकी क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देती मतलब इस नॉर्मल एक्टिविटी को वो रो रोक देती है तो इसलिए जो है ना सेल वाल वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाती तो बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ नहीं मिलती तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाता है और वो डाई कर जाता है इसके अलावा दूसरा एक्टिवेशन ऑफ आटोलाइसिन ऑटोलाइसिन जो है मुख्तलफ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खुद के ही सेल्स को ख़त्म करते हैं तो सेफालो इस्पोरस जो है ना वो आटोलाइटिक एंजाइम्स को भी एक्टिव करते हैं जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन हाइड्रोलेज ठीक है पैप्टाइडोग्लाइकोन हाइड्रोलेज क्या करेगा वो पेप्टाइडोग्लाइकिन को ब्रेक डाउन कर देगा ठीक है बैक्टीरिया में और उसकी वजह से जो है बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन हो जाएगा क्लासीफिकेशनस देखें अगर हम सेफालोस्पोरिन की या जनरेशन जो हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन जो है ना वो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जिनका पेनिट्रेशन सी एस एफ के अंदर इतना अच्छा नहीं है उसके अलावा इनमें जो है अगर हम थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन नंबर थ्री है उस पर सब्सटीट्यूशन कर दी जाए मिथाइल ग्रुप से तो वो औरली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ठीक है जबकि दूसरे जो हमारे पास सेफालो स्पोरेन है वो पेरेंट्रेली यूज़ किए जाते हैं एग्जांपल्स हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की सेफाजोलिन सेफा लग्जिन सेफालोथिन है सेफालोरेडीन है या सेफाड्रॉक्सिल है तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ये जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के उसके अलावा बीटा लैक्टामेज़ के अगेंस्ट स्टेबिलिटी भी इनकी इतनी खास नहीं है बीटा लेक्टेमेज इन्ज़ाम्स इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सेकंड जनरेशन सेफालो इस्पोरिन अगर हम देखें तो ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन सेफालो इसपोन के उसके अलावा ये बीटा लेक्टेमेज के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस होते हैं मतलब बीटा लेक्टामेज इंजाम जो है वो इनकी रिंग को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते जनरली इनको जो है पेरेंट्रली यूज़ किया जाता है उसके अलावा ये सी एस एफ के अंदर पेनीट्रेट कर जाते हैं एग्जाम्पल हमारे पास सेफोटाइटन है उसके अलावा सेफोजिटीन है सेफुरजाइम है या सेफाक्लोर ये सब की सब सेकेंड जनरेशन में आ जाती हैं एक्टिविटी इनकी जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की तकरीबन इक्वल होती है जबकि बीटा लेक्टेमेज के अगेंस्ट स्टेबिलिटी इनकी अच्छी है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन की अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा एक्टिव होती हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव के एज़ कम्पेयर टू तो फर्स्ट और सेकंड वाले के तो जैसे जैसे अब हम आगे जा रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव की कवरेज बढ़ रही है थर्ड जनरेशन तक ठीक है और उसके अलावा बीटा लेक्टेमेज इन्जाम के अगेंस्ट भी ये जो है रेजिस्टेंस होते हैं यूज़ अगर हम इनको देखें तो जनरली पेरेंट्रली यूज़ किया जाता है और सी एस एफ के अंदर इनकी पेनिट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं सेफोपेराजोन सेफ्टोन सेफोटेक्म सेफ्टीजोजाइम सेफ्टाजीडीम, सेफ्टीजोजाइम के अलावा सेफिकजीम है हमारे पास तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन सेफालो इसपोरिन की एक्टिविटी इनकी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के और बीटा लैटेमेज़ के अगेंस्ट भी इनकी स्टेबिलिटी अच्छी है फोर्थ जनरेशन सेफालो इसपोरिन की अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव और साथ साथ ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट भी अच्छी जो है ना एक्टिविटी शो करते हैं उसके अलावा ये बीटा लैटेमेज इन्ज़ाम के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट होते हैं जनरली इनको पेरेंट्रली यूज़ किया जाता है और सी एस एफ के अंदर इनकी जो है पेनिट्रेशन अच्छी नहीं है इसके अलावा ये जो है ना ज्विटर आयोनिक फार्म के अंदर भी एक्टिव होते हैं और सुडोमोनास के अगेंस्ट भी ये जो है एक्टिव होते हैं इसीलिए इन इस क्लास में जो है एंटी सूडोमोनल ड्रग्स हैं जे एग्जाम्पल्स हमारे पास सेफ़ीपीम सेफपायरोम या सेफक्यूनोम एक्टिविटी अगर हम इनकी देखें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही ज़्यादा हैं मगर ग्राम नेगेटिव एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव के ज़्यादा एक्टिविटी है इनकी और साथ ये जो है और ज़्यादा बीटा लेक्टेमेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाले के फिफ्थ जनरेशन लास्ट जो है हमारे पास इनकी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट तो सेम एक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन वाले जबकि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी और बढ़ जाती है साथ में ये भी जो है एक्स्ट्रा सेलर बीटा लैटामेज इन्जाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं उसके अलावा ये भी पेरेंट्रली यूज किए जा रहे होते हैं सी एस एफ के अंदर इनकी इतनी अच्छी पेनीट्रेशन नहीं है जिट्राइनिक फार्म में भी ये एक्टिव होते हैं मगर इनकी एक्टिविटी सीडोमोनास के अगेंस्ट नहीं है तो ये सीडोमोनास एरोजिनोसा को कवर नहीं कर सकते मगर एक चीज़ अच्छी है कि फिफ्थ जनरेशन जो है वो सेफालोस्पोरिन ऐसे हैं जो मरसा को कवर कर सकें सेफ्टोबाइप्रोल और सेफ्टारोलिन जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं फिफ्थ जनरेशन की ये ऐसी ड्रग्स हैं जो मरसा को कवर कर सकती हैं मिथिसलिन रेजिस्टेंस जो हमारे पास स्ट्रेंथ आ रहे होते हैं या इसके अलावा वरसा भी आगे रेजिस्टेंस स्ट्रेन आ रहे होते हैं उनको ये कवर कर सकते हैं तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी इनकी इक्वल है तकरीबन और जबकि बीटा लैक्टामेज़ के अगेंस्ट ये स्टेबल हैं इंडिकेशंस अगर हम देखें तो सेफालोस्पोरिन जो है ना बहुत ही कम इन्फेक्शनस में फ़र्स्ट चॉइस के तौर पर यूज़ किया जाता है उसके अलावा इनको अवॉइड करना चाहिए अगर हम दूसरे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है सेफ्टाजोन जो है वो गोनोरिया में फर्स्ट लाइन है उसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या एपिडिडाइमल औरकाइटस जो है इनमें हमारे पास सेफ्टाजोन ड्रग ऑफ चॉइस है या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सेफ्ट्राजोन इसके अलावा सस्पेक्टेड मैनजाइटस के पेशेंट्स में भी यूज़ की जा सकती है अगर वो पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है पेनिसिलिन अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो पहले हम कोशिश करेंगे पेनिसिलिन यूज़ करें अदरवाइज यूज फिर जो है हम सेफालोस्पोरिन की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास सेफ्ट्राजोन है सेफाक्लोर जो है वो ओटाइटस मीडिया सैनोसाइटसलटस डायबिटिक फूड इन्फेक्शन या मेस्टाइटस वगैरह में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है अगर फर्स्ट लाइन फेल होती है तो उसके बाद हम जो है सेफा की तरफ आते हैं उसके अलावा सेफलेक्सिन जो है वो थर्ड लाइन अल्टरनेटिव है यू टी आई के लिए प्रेगनेंट वूमेंस के अंदर अगर नाइट्रोफ्यूरन टाइन और ट्राइमिथोप्रेम जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो फेल हो जाए तो उसके बाद हम जो है सेफालागजिन की तरफ आते हैं केमिस्ट्री और उसकी जो है एस ए आर वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अब डिफरेंट रीज़न है हमारे पास सबसे पहला रीज़न कि सेफाक्लोर जो है ना वो कॉशन के साथ क्यों दी जाती है सेफाक्लोर सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन काज करा सकता है ख़ासतौर पर जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें सीरम सिकनेस रिएक्शन काज करा सकता है तो इसमें कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं स्किन रिएक्शंस होंगे आर्थलजिया होगा उसके जॉइंट्स वगैरह में पेन हो लिम्फ एडिनोपैथी होगी जो कि छः से बारह दिन तक रहे तो इसीलिए हम जो है इसको कॉशन के साथ देते हैं ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं और जब हम सेफा को बंद कर देते हैं उसके कुछ टाइम बाद फुली रिकवर किया जा सकता है मतलब ये सिम्टम्स डिसअपियर हो सकते हैं सेकेंड रीज़न हमारे पास है कि प्रोबेनिसिड जो है वो सेफालोस्पोरिन की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाती है प्रोबेनिसिड जो है ना वो रीनल और गट के अंदर जो सिक्रीशन हो रही होती है सेफालोस्पोरिन की उसको कम कर देती है क्योंकि हमारे पास जितनी भी सफ़ारिस फ़ोरन है ना वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही होती है और जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू निकल रही होती है ना उस पर ही प्रोबेनिफिटिटिट भी काम करता है एक्सेप्शन है हमारे पास सेफ्ट्राजोन जो कि लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही होती है इसीलिए जो किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें हम सेफ्ट्राजोन की तरफ जा रहे होते हैं तो जब ये उसकी सिक्रीशन मतलब रीनल से एक्सक्रीशन नहीं होने देंगे या उधर सिक्रीट नहीं होने देंगे बाहर नहीं जाने देंगे सेफालोस्पोरिन को प्रो तो उसकी हाफ़ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी प्रोबेनिसिट 250 से 500 हंड्रेड ओरली दी जा सकती है तीन से चार दफ़ा ताकि जो है सीरम एंटीबायोटिक एंटीबायोटिकेवल्स सेफालोस्पोरिन के इंक्रीज़ किए जा सकें थर्ड रीज़न हमारे पास है कि सेफालोस्पोरिन को क्यों प्रेफर किया जाता है हालांकि हमारे पास पेनिसिलिन की ज़्यादा एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के पेनिसिलिन की जो है ना एक्टिविटी तो ज़्यादा है एगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव दैन से मगर रेंज अगर हम देखें कि कौन सा ज़्यादा माइक्रोब्स को कवर कर सकता है मतलब कि हम पूरे माइक्रोब्स की कवरेज देखें कि ये ज़्यादा को कौन सा कवर कर सकता है उसके अलावा साथ में दूसरे बैक्टीराज़ को भी कवर करने की तो वो रेंज जो है सेफालोस्पोरिन की एज़ कंपेयर टू पेनिसिलिन के ज़्यादा है इसीलिए हम सेफालोस्पोरिन को प्रेफर कर रहे होते हैं और दूसरा ये कि आजकल रेजिस्टेंट भी जो है ना पेनिसिलिन में ज़्यादा आ गई है सेफालोस्पोरिन के कम्पेरिज़न में फिर अब आहस्ता आहिस्ता सेफालो स्पोरिन भी रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं तो हम आखिरी च्इस की तरफ जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स में तो ये रीज़न है कि इनकी वजह से पेनिसिलिन से ज़्यादा सेफालोस्पोरिन को प्रेफर किया जा रहा होता है बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लोरम फेनिकोल एंटीबायोटिक्स डिस्कस करेंगे